55 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री आपको भारत के महान इतिहास के बारे में बताएगी और ये आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो आपने आज तक देखा, जो सुना, वो सही था या गलत। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा सीक्रेट ऑफ सिनोली। एक डॉक्यूमेंट्री आई है जो 55 मिनट की, जिसके डिस्कवरी प्लस पर रिलीज किया गया है। और मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री में मनोज बाजपेयी सर आप लोगों को एक कहानी के यानी कहानी नरेट करते हुए दिखेंगे और वो बताएंगे कि सिनोली में हमें क्या क्या मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिनोली है कहां। ये उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली के नॉर्थ में पड़ता है, 67 किलोमीटर दूर है। वहां किसान जो है जब अपने खेत में हल चला रहे थे तो उनको कुछ अवशेष मिले थे, तांबे के अवशेष मिले, उनको सोने के अवशेष मिले। तो ये बात ASI यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को जब पता चली तो वहां पर ये आए, उन्होंने यहाँ पे खुदाई शुरू की और उनको यहाँ पे सर्वे मतलब कि कुछ नमूने मिलने शुरू हुए, कुछ अवशेष मिलने शुरू हुए। लेकिन 2005 की बात है ये, 2005 में कुछ टाइम बाद, खुदाई करने के कुछ टाइम बाद इन्होंने अपना सर्वे रोक दिया था। अब मुझे नहीं पता कि वो सर्वे क्यों रोक दिया। देखो, इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उनको इतना कुछ इंपॉर्टेंट मिला नहीं या फिर किसी ने ये चीज रुकवा दी थी। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिला होता तो 2018 ठीक 13 साल बाद फिर से खुदाई शुरू होती है और 2018 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को पता चलती है। आने वाली इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली है 2018 में तो यह भी हो सकता था कि ये तो पहले भी पता चल सकती थी, तो इस चीज को तब क्यों रोका गया। तो इससे यही पता चल रहा है ना कि यार कोई ना कोई तो रीजन था इसको रोकने का। और जब 2005 में ये काम बंद कर दिया गया था तो 2018 ठीक 13 साल बाद ये काम फिर से शुरू किया गया। 2018 में जब किसानों को खुद अपने यहां अपने खेतों में हल चलाते हुए उनको फिर से अवशेष मिलते हैं और वहां पर फिर से ये लोग बात जो है वो ऐसे को पता चलती है, यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया फिर से बात पता चलती है, तो फिर ये उस एरिया को अपने अंडर में लेते हैं और फिर से एक नए तौर पर वहां पे खुदाई करना शुरू करते हैं। उनको बहुत सारे अवशेष उनको मिलते हैं, जैसे कि सिनोली के जो लोग थे वो योद्धा थे, वॉरियर थे। वो अपनी एक स्वॉर्ड जो उनकी तलवार हुआ करती थी, वो एक एंटीना टाइप की तलवार इसके अंदर दिखाई गई है, शील्ड रखा करते थे और भी बहुत हैरान करने वाली चीजें हमारे सामने आती हैं। और जो ये अवशेष मिले हैं इनकी एज जो बताई गई है वो 3800 साल पुरानी है, यानी तकरीबन ये 2000 BC और 1800 BC के अंडर में ये वहां के जो लोग थे वहां ये टाइम बताया गया। कार्बन डेटिंग से ये चीज पुख्ता की गई कि इनकी एज क्या है। अब आप यही सोचोगे ना कि यार इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है यहां पर रथ का मिलना। अब देखो यार, ये जो रथ मिला है 3800 साल पुराना जो रथ यहां पर मिला है, ये चीज बताता है कि हमारे देश में कितनी डेवलपमेंट थी उस टाइम पर भी। विदेशी आक्रमणताओं ने इस इतिहास को बदलने की कोशिश की, ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर ने इस इतिहास को बदलने की कोशिश की और एक अलग ही इतिहास लोगों के, भारत के लोगों के दिमाग में जबरदस्ती डाला गया और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए। और यही कारण है कि आप देख सकते हो कि जो लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, वो अपने ही देश के बने हुए प्रोडक्ट को इतना पसंद नहीं करते। एक्चुअल की बात है ये, वो दूसरे देश की प्रोडक्ट को ज्यादा महत्व देते हैं, अपने देश के प्रोडक्ट को इतना महत्व नहीं देते। अब जाकर जो स्कीम चली है, जैसे भारत का रुतबा बढ़ा है, तब जाके अपने ही देश के प्रोडक्ट को वो रिस्पेक्ट देना शुरू किए। लेकिन कुछ टाइम पहले आप देख लो, वो अपने ही देश का कोई प्रोडक्ट देखते थे तो यार कहते थे यह कुछ काम का नहीं है। तो बाहर के लोग मतलब उनके धारणा ही ऐसी बन गई थी कि यार बाहर की चीजें वो काफी ज्यादा अच्छी होगी, ये धारणा ही बन गई थी। लेकिन अब जाके कुछ जैसे जैसे स्कीम चली है, भारत का जैसे जैसे रुतबा बढ़ रहा है, जैसे भारत आगे आ रहा है, आगे मतलब दूसरे देशों के बीच में, तब पता चलता है कि यार यहाँ भी भारत का भी बहुत बड़ा महत्व है। वरना आप कुछ टाइम पहले देख लो यार, कुछ टाइम पहले की बात भी ना करूं तो फेसबुक पे जाके कुछ नमूने देख लो जो अपने ही देश को क्रिटिसाइज करने पे लगे हुए हैं, अपने देश के कल्चर को क्रिटिसाइज करने पे लगे हुए हैं, वो इस देश के इतिहास के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो ऐसे ऐसे नमूने भरे पड़े हैं फेसबुक के ऊपर, वहां आप जाके इन जैसे नमूनों से मिल भी सकते हो। जब दूसरे देश के लोग यहां पर आए थे 2005 में जो अवशेष मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि यार ये जो रिसर्च की गई है, यहां से जो सर्वे मिला है, ये यहां पर कभी घोड़े नहीं थे, जबकि ये रथ मिला है तो ये चीज पुख्ता होती है कि इस रथ को खींचने के लिए घोड़े हुआ करते थे। लेकिन जो दूसरे देश के जो रिसर्चर्स यहां पर आए थे, जो रिसर्च करने वाले थे यहां पर आए, उन्होंने ये कहा कि यहां पर रथ नहीं, वो घोड़े नहीं हो सकते। यहां पर घोड़े आए थे जब आर्यन से यहां पर हमला किया था, या फिर आर्यन यहां पर रहने आए थे तब वो अपने साथ घोड़े लेकर आए थे। और ये चीज इतनी ज्यादा गलत उन्होंने बताई कि यहां पर रथ का मिलना 3800 साल पहले और उस रथ को खींचने के लिए, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया कि हाँ भी जो जिस टाइप का हमें रथ मिला है वो बकायदा उसको खींचने के लिए सिर्फ और सिर्फ घोड़ा ही है उसको खींच सकता, और कोई भी जानवर जो है उसको
नहीं गिन सकता। अब आप सोचोगे कि यार ये जो लोग हैं, जो बाहर के जो लोग हैं, उन्होंने इतनी गलत धारणा क्यों दी, उन्होंने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा क्यों। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपके अपने पड़ोस में जाकर देख लो, आपका पड़ोसी कभी चाहेगा कि आप तरक्की करो? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। वो तो यही चाहेगा ना कि आप उसके प्रभाव में रहो, आप उसको ही सर्वश्रेष्ठ मानो। यही कॉन्सेप्ट चलता है देशों के बीच में। वो दूसरे देश को कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनकी संस्कृति लोगों को पता चले, इनकी मतलब ये पता चले कि सर्वश्रेष्ठ हैं, या फिर इनकी उनके पास तकनीक काफी उन्नति है, मतलब ये सब चीजें वो नहीं बताना चाहेंगे। वो अपने ही कल्चर को दूसरे कल्चर के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, अपने ही कल्चर को दूसरे कल्चर के ऊपर सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश करेंगे। और ये धारणा लेकर जो विदेशी आक्रमणताएं हैं या जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने यही धारणा हम लोगों के अंदर डालने की कोशिश की है। और जो सिनोले के अंदर रथ मिला है वो ये बताता है कि जो रोमन्स एम्पायर हुआ करते थे, जिनके पास रथ हुआ करते, तो ये रथ जो है वो उनसे भी ज़्यादा पुराना है, 3800 साल पुराना है। 2000 मैंने कहा ना, 2000 BC और 1800 BC इनके टाइम के बीच का जो टाइम है, यहाँ पर इस टाइम में वो रथ यूज़ किया करते थे। तो आप सोचो यार कितना डेवलप्ड इलाका रहा है, या डेवलप्ड सिनोली के जो लोग रहे हैं वो इतना ज़्यादा एडवांस टेक्निक यूज़ किया करते थे। खुदाई के दौरान ये पता चला है कि जो सिनोली के जो लोग हैं वो वेदों के अकॉर्डिंग चला करते थे, जैसा वेद में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग अपने रिचुअल किया करते थे। और वहां पर महिलाओं को एकदम बराबरी का हक था, क्योंकि यहां पर जो कंकाल मिले हैं, पुरुष और महिलाओं दोनों के कंकाल मिले हैं, जिसमें बताया गया है कि महिला जो थी वो भी एक वॉरियर हुआ करती थी, उसे भी लड़ाई की कला आया करती थी। तो ये सारी चीजें बताती है कि हाँ यार, जो बताया जाता था कि महिलाओं को सम्मान नहीं, ये नहीं, इनको दबाया गया, तो भाई साहब आप इतिहास देखते हो तो पता चलेगा कि महिलाओं को एकदम बराबरी का हक दिया गया था। ये सब चीजें खुदाई के दौरान पता चलती हैं कि यार इतना इतिहास को तोड़ा मरोड़ने की कोशिश की। और ऑब्वियसली लोग ये तो चाहेंगे कि यार महान इतिहास को कौन जाने। अब देखो सारी चीजें तो मैं खुद नहीं बता सकता, अगर यही बता दूंगा तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है मुझे नहीं लगता कि आप लोग देखोगे तो कोई फायदा होगा, बल्कि यार आप खुद जाकर देखो, इसको फील करो यार इतिहास क्या है, उसके मतलब क्या इंपॉर्टेंस है। और इसको बहुत खूबसूरती से आपके सामने रखा गया, उस रथ की शेप को बनाया गया है, शील्ड की शेप को बनाया गया है, तलवार की शेप को बनाया गया है, हर चीज़ वहाँ पर एकदम मतलब एक एनिमेशन के तौर पर आप लोगों को दिखाई गई कि यहाँ एक्चुअल में ऐसी शील्ड है, ऐसा रथ था, बहुत बढ़िया रथ इसमें आप लोगों को देखने को मिला, जो पुख्ता सबूत है। ऐसे तो कहीं पर भी अवशेष मिले नहीं जितना, इतना ओरिजिनल अवशेष यहाँ पर सिनोली में आप देखने को मिलेगा। और देखो तो आप एक चीज़ देखो, बड़ी कमाल की चीज़ है कि सिनोली के अंदर जब खुदाई हुई 2005 का टाइम था, काफ़ी ज़्यादा पुराना भी नहीं है, आज 2021 में तकरीबन आप बात करो तो 17 साल पहले की बात है, जिसके अंदर 13 साल तो काम बंद रहा है। तो नई साइट है जिस पर खुदाई करते वक्त ही इतना कुछ मिल गया। अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने 28 एकड़ को अपने अंडर लिया है। और अब देखो यार प्रॉब्लम तो आती है कि लोग अपनी ज़मीन क्यों देना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर नदी का एरिया है, तो वहाँ पर मतलब उपजाऊ जमीन ज़्यादा है, वो वहाँ पर खेती किया करता है, तो किंगडम बन सकता था वहाँ पर। ये एक तरीके से आप सोचो कि वहाँ पर किंगडम तो ऑलरेडी था ही वहाँ, तो लोगों को अपनी ज़मीन देना ये कहीं ना कहीं गुजारा नहीं है कि यार वो अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी पुश्तैनी ज़मीन है, तो वो गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ इस म्यूज़ियम के तौर पर यहाँ पर वो खुदाई कर सकें, आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी आसानी से मान जाएंगे। कुछ लोग वैसे मान गए हैं कि हाँ आप हमारी ज़मीन का यूज़ कर लीजिए, आप खुदाई कर लीजिए, यहाँ पर जो मिले आप रख लीजिए, तो ये सब कुछ लोग मान रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों में अभी भी अनबन है, वो देंगे नहीं, वो अलग सी बात है कि उनको अगर अच्छा कंपनसेशन दिया जाता है तो वो यूज़ करने दे सकते हैं कि आप यूज़ कर लीजिए। तो बस यार ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करते हैं, तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड करता हूँ कि यार जाकर आप सीक्रेट ऑफ स्नोली, ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ 55 मिनट की, बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री है, आप जाकर जरूर देखो। और आपको सच में गर्व होगा कि यार हाँ यार हमारा भी इतिहास इतना महान है, और जो बदला गया है वो कुछ और ही था, मतलब एक्चुअल में क्या है। आप लोगों को ये जब डॉक्यूमेंट्री देखोगे तब पता चलेगा। और बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुराने जो पूर्व अधिकारी हैं, वो आपको अपनी बात कहते हुए मिलेंगे इसके अंदर, जो ओरिजिनल, ऐसे नहीं कोई फेक बिठा रखे, एक्चुअल में वहाँ पर आप नाम देखना, बाकायदा नाम आएगा, कौन थे क्या थे, सब कुछ वहाँ दिखाया गया। तो प्लीज़ जाकर ये डॉक्यूमेंट्री आप देखें। और अगर जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री देख ली तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही, रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।